हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल आप सबके? आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। 2 दिन से वीडियो नहीं आई, मुझे पता है तुम सब सोच रहे होगे सर ने ये सीरीज़ बंद कर दी, बट ऐसा नहीं है यार। आखिर तक साथ रहूँगा तुम्हारी। 75 डेज़ का कोर्स विद धमाकेदार सरप्राइजेज आते ही रहेंगी। जैसा कि आपको पता हो, हमने आपके लिए बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट कर दिया, और जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो यार चेक कर लो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एनडीयू बायोलॉजी का। धमाकेदार तरीके से बायोलॉजी चल रही है, उसके नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज हमारी ये जो क्लास है रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे हमारा 33 है। इससे पहले तक हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट कर लिए थे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, एंड उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें यार पहले साझा कर लेते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम अपने कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। तो देखिए, जो बच्चा अन अकेडमी पे है तो उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि अन अकेडमी पे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप 2021 के लिए एक चैम्पियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि आपकी 29 अगस्त को स्टार्ट होगी 4 बजे। रहेगा क्या, अगर जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे रहता है उसको 100% 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा। उसके अलावा दूसरे से तीसरे रैंक वाले को 75%, 4 से 6 वाले को 50%, एंड रैंक 7 से 10 तक 25% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट मिलेगा ये आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। बहुत ज़्यादा रियल टाइम एक्सपीरियंस करोगे, तो बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, ये होगा आपका कब, मैंने बता दिया 29 अगस्त को 4 बजे शाम को। ठीक है, और एक और बहुत अच्छी न्यूज़ कि अन अकेडमी के ऊपर बहुत सारे नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हीं के साथ एक व्यास ND2 नाम से बैच कोर्स स्टार्ट जो हो रहा है 1 सितंबर से 30 अक्टूबर। 60 डेज़ का एक क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें इंडिविजुअल टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विकास सोनी IP कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे। एंड उसी के साथ साथ और भी लेटेस्ट बहुत सारी न्यूज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप अन अकेडमी पर 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर आप 24 महीने का खरीदते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है। और आपने क्या करना है, सिर्फ कोड यूज़ करना है विकासोनी IP। ये ऑफर आपका 31 अगस्त तक है। एंड एक बहुत अच्छी बात कि जो बच्चा रिटर्न प्लस SSC कम्बाइंड तैयारी करना चाहता है तो कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट जो है आपको मिल जाता है इस पर। और अगर आप ये कोड यूज़ करते हो विकासोनी IP तो 10% एडिशनल, यानी टोटल आपको 30% ऑफ मिल जाता है NDA के रिटर्न प्लस SSP के इस सब्सक्रिप्शन पे। और एक खास बात कि अगर आप NDA एयरफोर्स नेवी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसी के साथ साथ आप इक्वलेंट आपको मिलता है एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड का सब्सक्रिप्शन उसी के अंदर, एंड वो आपको 15 दिन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। वरुणा NDA नाम से स्पेशल क्लासेस की एक फ्री सीरीज चल रही है आपकी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मेरी क्लास भी होती है शाम को 7:15 पे। फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। जस्ट आप अगर मान लीजिए नहीं है तो आपने विकासोनी IP कोड यूज़ करके इन क्लासेस को देखना है। आप जब इस कोड का यूज़ करेंगे तो ये क्लासेस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, एंड यू कैन सी बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार कंटेंट है। मैं आपको बता दूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 कंसेप्ट जो है वो मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, और जिसने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, और मेरे भी प्लस पे काफ़ी सारे कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 2 कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एक का क्लास जो है शाम 9:20 पे होता है ऑप्टिक्स वाला, ठीक है, उसके अलावा एक हमारा क्लास होता है दोपहर को 3:45 पे। तो दोनों ही बड़े धमाकेदार प्लस पे कोर्स चल रहे हैं, देखना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी फाइनली वीडियो को। आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसा कि बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बट उस तक पहुंचने से पहले, उस कंसेप्ट को समझने से पहले 2-4 छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला मेरे भाइयों जो कंसेप्ट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स। मेरे भाई, मैंने कहा जब भी तेरे को फ्लक्स वर्ड कहीं भी दिखा, जब भी तुम्हें फ्लक्स नहीं फ्लक्स वर्ड कहीं भी दिखा, तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर से किसी पर्टिकुलर चीज़ के किसी जगह से पास होने के। अब यहाँ पर मैग्नेटिक के साथ फ्लक्स लगाया, यानी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको बोल दिया जाए आपके पास कोई एरिया है, लेट अस सपोज जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन एक 2D शेप है, ये इसका एरिया है। तो मैं बोलूँ कि भैया इसके अंदर से यहाँ से, जैसे ये मेरा जो पेन है ये समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इसमें से पास हो रही है। तो मैंने बोला आपके पास कोई पर्टिकुलर गिवन एरिया है, उस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मली पास हो रहा है इस एरिया वेक्टर के अलोंग। सर अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो क्या होगा? मैंने बोला देखो मुझे तो सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो इस एरिया के अलोंग जा रहा है।
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्मली पास होती है, तो मुझे इस बी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका? बी कोस थीटा वाला आएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो यही होता है, कितनी नंबर ऑफ लाइन नॉर्मली पास हो रही है। हमें उससे मतलब नहीं जो टेढ़ी जा रही है, हमें उससे मतलब है जो इसी के अलोंग जा रही है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा जी, वो बनता है बी ए कोस ऑफ थीटा। डायरेक्ट याद रखो, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस पर, अगर होता तो मैं आपको स्पेशली मैंशन कर दूंगा। और अगर वैक्टर फॉर्म में लिखे तो बी डॉट ए से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये जो थीटा है, एक्चुअल में थीटा एंगल है एरिया वैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। फ्लक्स जो चीज़ है, जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, जिसको वेबर भी कहा जाता है, ये आपके काम का है। आपको इसको याद रखना है कि वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t - 2 a - 1 ज़्यादा काम का नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप दिस डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो का मतलब कि एक प्लेट है उसका एरिया वेक्टर जिधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी सारा का सारा उधर ही पास हो रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो मैंने देखा भैया जिधर की तरफ एरिया है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारी लाइनें पास होंगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर आपको कहा जाए कि थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। यहाँ पर मैंने तुम्हें इसका ऐसा यूनिट तो बता दिया, वेबर होता है, लेकिन उसके अलावा सीजीएस यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। क्या होता है भैया? मैक्सवेल। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं क्रिकेटर, ये मैक्सवेल है। और 1 मैक्सवेल होता है 10^-8 वेबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 वेबर जो होता है वो 10^8 मैक्सवेल के बराबर होता है। उसके अलावा जब भी ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट किसी प्लेट के अंदर से फील्ड बाहर जा रहा है, यानी आउटवर्ड फ्लक्स होता है, हम उसको प्लस का लेके चलते हैं। और कहीं पर आपको लाइनें अंदर घुसती हुई नज़र आएँ, इनवर्ड फ्लक्स हो, उसको नेगेटिव लेके चलते हैं। और अगर ना हो तो ज़ीरो फ्लक्स कहा जाता है। ज़्यादा नहीं पूछते इसे। फिर मैंने कहा देख भाई, फ्लक्स जो है इसका अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा वो था सर बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो मैंने कहा यार अगर मुझे फ्लक्स को बदलना है तो मुझे बताओ फ्लक्स को कैसे बदला जा सकता है। बोले सर या तो बी को चेंज कर दें या ए को चेंज कर दें या थीटा को। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सोच रहे, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, हम एरिया को चेंज कर सकते हैं और हम एंगल को चेंज कर सकते हैं। इन तीन फैक्टर्स को अगर हम चेंज कर लें तो शायद हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा करना क्यों है, अरे फ्लक्स चेंज करना क्यों है? तो मैंने कहा अरे करना ज़रूरी है। फेराडे भाई साहब ने ये पता लगाया, उन्होंने एक फिनोमिना दिया था जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर का नाम है। तो इन्होंने क्या कहा भाई, देख तेरे पास मान ले एक कोयल है, ठीक है, उसके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो तेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस मैग्नेट से कुछ लाइनें निकलेंगी, फील्ड लाइन्स, मतलब बिल्कुल निकलेंगी। और वो लाइनें किसको जाके मिलेंगी? वो जाके इस कोयल को मिलेंगी, थोड़ी बहुत मिले जितने भी मिले। फिर मैंने कहा ठीक है, इसमें से अगर फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसके साथ कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है? बोले सर बिल्कुल हो रहा है। मैं कहता हूँ कि अब इस मैग्नेट को उठा यहाँ से और मैग्नेट को मूव कर, मैग्नेट को पास लेके आ। तो जब मैग्नेट को पास लेके आएंगे तब उसी कोयल में अब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी, पहले जितना था उससे ज़्यादा। तो ये जो फ्लक्स है तुम्हारा क्या होगा? चेंज होगा। और तुम क्या देखते हो, जैसे ही किसी कोयल को मिलने वाला फ्लक्स चेंज होता है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बेटा। क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर वो आप सर्किट ऐसे क्लोज कर रखा है तो आप क्या देखोगे उसमें क्या फ्लो होने लग जाएगा? उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट। कुल मिला के थोड़ा सा दिमाग में अगर इस बात को बिठाना है तो ऐसे समझो, जब भी तुम किसी मटेरियल के, किसी वायर के, कंडक्टर के पास मैग्नेट को मूव करवाओ, अरे मैग्नेट को मूव करवाने से इसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे बनता है ईएमएफ। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल। और अगर ईएमएफ है और सर्किट क्लोज कर दे तो करंट भी बन जाएगा। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज मोर प्रॉपर वर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इससे ईएमएफ बनता है। और कई किताबों में लिखा होता है इंड्यूस्ड करंट, तो मैं बोल दूँ इंड्यूस्ड करंट तब लिखना है जब सर्किट क्लोज हो तब। ठीक है सर, समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा ये बात जो है ना ईएमआई का, ये किसने बताया? ये फेराडे ने बताया। तुमसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट है भैया वो किसने दिया? मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वो आपका माइकल
फेराडे ने दिया। फेराडे ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे एक सोलेनोइड के अंदर ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर तो करंट बताता है। अब इसके अंदर, इस कोयल के अंदर तुम देखो जरा और बताओ मुझे, क्या इस कोयल के अंदर कोई करंट का सोर्स है? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं है, एक खाली तार है, गैल्वेनोमीटर से जुड़े। तो हमने क्या किया, हमने उसके पास रखा हुआ ये जो बार मैग्नेट है इसको मूव करवाया, या तो पास लेके जाओ या दूर लेके जाओ, बस हमें मूव करवाना है, इसको मोशन में होना ज़रूरी है। चाहे पास लेके आओ चाहे दूर लेके आओ, दोनों ही केसेस में क्या देखा कि मान लो जब तुम पास लेके आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिल पड़ी, इधर की तरफ आ गई। अब सुई इधर आना ये शो करता है कि भैया इसके अंदर करंट है, तो इसके अंदर करंट बन गया, क्यों? क्योंकि इसको पास लेके आए। और जैसे इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, फिर से देखा करंट बना, लेकिन इस बार किस डायरेक्शन में बना, अपोजिट डायरेक्शन में बना, मतलब करंट इस केस में भी बना। जब तक मैग्नेट को चेंज करोगे तब बनेगा। दूसरे केस में मैग्नेट की जगह एक और सोलेनोइड लिया जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो यार इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि ये सोलेनोइड भी तो बिहेव एज अ बार मैग्नेट, तो इसको पास लेके आओगे तो भी सेम ऐसा मिला। तीसरे में क्या देखा कि अगर हम बैटरी को जब ऑन करते हैं तो थोड़े से ड्यूरेशन में, जब सोचो इसको ऑन करने से पहले करंट तो कुछ था ही नहीं, फील्ड तो कुछ था ही नहीं, जैसे ही ऑन किया तो कुछ चंद सेकंड लगेंगे करंट को बढ़ने में, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इसको मिलने वाला फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, तो इसमें थोड़े सेकंड के लिए करंट आएगा, फिर ये वापस जीरो पे आ जाएगा। और जैसे इसको बंद करेंगे फिर से ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी, जीरो पे आ जाएगी। कुल मिला के इनके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन निकला, और दो बातें समझ आई। एक तो ये समझ आई, जब तक कोयल को मिलने वाला फ्लक्स चेंज होगा तब ही ईएमएफ बनेगा और करंट फ्लो करेगा। दूसरा, अगर तुम मैग्नेट को या इस चीज़ को ज़्यादा फास्ट अगर मूव करवाते हो, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा हर एक सेकंड में, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा हर एक सेकंड में, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उतना ज़्यादा करंट या ईएमएफ बनेगा। इसी को सजो दिया फेराडे ने अपनी लोज के अंदर, और बना दिए फेराडे की दो लोज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेराडे का फर्स्ट लो कहता है कि देखो, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स किसी को लिंक करने वाला वो क्या होगा, चेंज होगा, तब तक उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस रहेगा सर्किट में। मान लो जैसे ये खाली एक वायर है भैया, ये कोयल है, ठीक है। अब क्या है, इसके पास जब मैं इस मैग्नेट को मूव कराऊँ, चाहे पास लेके आऊँ चाहे दूर लेके आऊँ, कुछ भी करो, चेंज करवाना है, तो इसको मिलने वाला जो फ्लक्स है क्या वो चेंज होगा? सर बिल्कुल चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इसके एंड्स के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। और अगर तुम इसको बाहर किसी सर्किट से जोड़ दो, मान लो ईएमएफ तो हो ही गया, अब मान लो तुमने इसको किसी बल्ब से या किसी भी सर्किट से जोड़ दिया, इस तरह से क्या देखोगे, अब सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने से क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। ये था फेराडे का फर्स्ट लॉ। फेराडे ने एक सेकंड लॉ, एक और लॉ भी दिया, ये इससे ज्यादा जरूरी था। कहता है कि भाई सुन, मैग्नेट को जितना फास्ट मूव करवाएगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सर्किट में, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक मतलब हर एक सेकंड में कितना फ्लक्स लिंक कर रहे हैं। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई बी मतलब फ्लक्स में चेंज डिवाइड बाई डी टी, कितना टाइम लगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं, लेकिन वन ही आता है। और इसके साथ यहाँ साइन लगा दिया माइनस, ये एक्चुअल में साइन बाद में पता लगा था, लेंज ने अपने लॉ में बताया था, एक पर यहाँ पर माइनस लगाए रखो, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, तुम्हें कह दिया जाए कि कोई वायर वगैरह है उस पर एक से ज़्यादा टर्न्स है, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है माइनस का एन डी फाई बाई बाई डी टी। और करंट कितना होगा, देखो करंट तुम्हें पता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ईएमएफ एक वोल्टेज ही तो है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट आया ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ आपको पता ही है माइनस का एन डी फाई बी बाई डी टी, और एक आर से डिवाइड और करना है तो यहाँ पर आर लगा दिया, तो ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बन गया आपके पास। आई थिंक सो दिस इज़ क्लियर टू यू। मतलब इस पर क्या क्वेश्चन आता है, मैंने कहा इस पर एक आधी बार दिखा हुआ है, सॉरी इस पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फेराडे का सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है, तो मैंने कहा वो बताता है वैल्यू किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितना है, डायरेक्शन ही बताता, डायरेक्शन बताता है। इससे नेक्स्ट एक रूल आएगा आपका लेंज लॉ। देखो सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहना सब बच्चे, वीडियो से यार व्यूज़ बहुत कम आ रहे, पता नहीं कहाँ भाग रही हो। तुम्हारे लिए तो बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट कर दिया, नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है।
अब देखिए, जो ईएमएफ बना उसका डायरेक्शन बताने के लिए लेंज ने एक लॉ दिया, बहुत ही प्यारा सा रूल था। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है इस रूल ने कहा भी, देखो जो ईएमएफ बनता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है कि वो अपोज करता है जिसने उसको बनाया। तो जिसने तुझे बनाया तू उसी का अपोज करेगा। अगर नॉर्थ पोल के पास आने से तू बना है ना तो नॉर्थ को पास आने से रोकेगा, साउथ के पास आने से तू बना है ना तो साउथ को पास आने से रोकेगा, नॉर्थ के दूर जाने से अगर तू बना है ना तो तू नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा, साउथ के दूर जाने से बना है तो साउथ को दूर जाने से रोकेगा। यानी भैया जो भी काम करना है उसका अपोज करना है, मतलब पास आ रहा है तो आने नहीं देगा, दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देगा। और ये जो लेंज लो है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेंज लो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, यानी एक मैग्नेट को मूव करवा के जितना हम वर्क करेंगे उतना ही तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, कंजर्व रहता है। अब लेंज लो के अकॉर्डिंग ना एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि किसी भी लूप में करंट का डायरेक्शन बना सकते हो। अब जैसे मान लो एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, इधर मूव करवा रहे हैं, तो यानी नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो लेंज लो कहते हैं कि भैया इसके अंदर एक ऐसा करंट बनेगा जो इसी का अपोज करेगा। अब नॉर्थ को पास आने से कौन रोक सकता है, नॉर्थ ही तो रोक सकता है, तो यानी यहाँ बना नॉर्थ और नॉर्थ है तो करंट तुम्हें पता होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर क्या करूँ मैं नॉर्थ को दूर लेके जाऊँ, तो तुम्हें पता है नॉर्थ के दूर जाने से अगर करंट बनेगा तो अब दूर दूर जाने से रोकना है, तो नॉर्थ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, साउथ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक साउथ वाला करंट फ्लो करेगा यानी क्लॉकवाइज। ऐसे ही एक मैग्नेट के आप साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो ये दूर जाने से रोकेगा, तो साउथ को दूर जाने से कौन रोक सकता है, नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ की तरह काम करना पड़ेगा इस तरह से। और अगर क्या करूँ मैं साउथ को पास लेके आ रहा हूँ तो यार साउथ को पास आने से रोकेगा, वो कैसे रोक सकते हैं, यहाँ साउथ आएगा। तो इस तरह से तुम क्या निकाल सकते हो, सर्किट्स में करंट निकाल सकते हो यूजिंग लेंज लो। तो कुल मिला के बात पता लगी, लेंज लो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इससे आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि यार अगर मुझे ईएमएफ बनाना है, अगर मुझे ईएमएफ बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके तरीके तीन, एक क्या था, बी को चेंज कर दो, कोयल के पास आप मैग्नेट को थोड़ा पास ले आओ या थोड़ा दूर ले जाओ। दूसरा है चेंजिंग एरिया, तो एरिया को भी चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए इस यू शेप की एक स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है, यू शेप की एक स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पर एक मेटलिक वायर है, इस वायर के पीस को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी एक तरीका है एरिया को चेंज करके। तीसरा है चेंजिंग थीटा, यानी एक कोयल है उसका मान लीजिए ये कोई एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, क्या ये हमेशा थीटा रहेगा, नहीं, आप उसको घुमाओगे तो एंगल बदलता रहेगा। तो यानी आपके पास तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, आप कोयल को रोटेट करवा के कर सकते हो। ये वाला फिनोमिना कहाँ यूज होता है, ये होता है जनरेटर के अंदर। तो ठीक है, अब डायरेक्ट कुछ केस याद रखने हैं, वेरियस केस। अगर तुमसे कह दिया जाए एक रोड है, एक तार है, समझ लो एक रोड है ए बी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो उसके एंड्स के अक्रॉस ये जो इसके दो किनारे हैं ना, एक किनारा प्लस का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आप क्या देखोगे, इसके किनारों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई, वो हो जाता है बी वी एल। क्या होता है बी वी एल, बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर इस रोड को रखा गया है, और वी है वेलोसिटी जिससे ये रोड मूव कर रही है, और यहाँ पर एल क्या है, गेस करो, लेंथ है किसका भाई, इस वायर पीस का। ये डायरेक्ट याद रखना है। और अगर मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे टेढ़ा घुमाता, मान लेते हैं इस तरह से एक रोड होती, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल होता तो यहाँ पर साइन थीटा और आ जाता है इसके साथ। देखो ये रहा, इफ कंडक्टर इज मूविंग एट एन एंगल थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड, किसी थीटा एंगल पे जा रहे, तो बी वी एल तो पड़ा था उसके साथ, लेकिन क्या क्या लगा दो, एक साइन थीटा लगा दो, ठीक है। यहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड बी। अच्छा, एक रोड को रोटेट करवाओ, मतलब यहाँ से फिक्स है ऐसे घुमा रहे हो, जैसे ये पेन है, मैंने यहाँ से फिक्स किया इसको, मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, लगातार घुमाना है, ऐसे एक बार नहीं घुमाना, ये लगातार घूमना चाहिए, जैसे तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डायरेक्ट याद को, हाफ बी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और एल है लीनियर लेंथ, मतलब वायर का लेंथ, रोड का लेंथ जिसको तुम घुमा रहे हो उसका लेंथ है, ठीक है। चल आगे बढ़े।
अब एक आता है छोटा सा प्यारा सा रूल, राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये वाला राइट हैंड वाला, मैं लेफ्ट का राइट ना दिख रहा हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी आपने पढ़ा था, वो था आपको बताने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है पता लगाने के लिए क्या, इंड्यूस्ड करंट। क्या करना है आपने मेरे भाई, सुन, आपने अपने राइट हैंड का जो थंब है, आपका जो फोर फिंगर है, आपका जो सेंट्रल फिंगर है, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब देखिए हमें इंड्यूस्ड करंट बताना है, तो आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगर हम क्या करें, थंब को फोर्स की डायरेक्शन में करते हैं, फोर फिंगर को फील्ड की तरफ करते हैं, तो आप क्या देखोगे, सेंट्रल फिंगर आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये बताएगा, ठीक है। आप अपने राइट हैंड के मेरे भाई अंगूठे को, थंब को फोर्स लगाते हो, यार इसको तू फोर्स की तरफ कर दे, ये तेरा फील्ड की तरफ होगा, तो ये तेरा होगा जिस डायरेक्शन में करंट बना, इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से तुम बता सकते हो, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, सॉरी रूल है, इससे बता सकते हो, फोर फिंगर फील्ड, ठीक है, थंब मोशन या वेलोसिटी को, तब जाके सेंट्रल फिंगर आपको बताएगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। समझ आ गया होगा, ठीक है, यूज करेंगे एक दो क्वेश्चंस में आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो दिस इज इनफ फॉर, छोटी सी वीडियो बनाई, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, देखते हैं कितने मिनट की हुई, थोड़ी ही हुई है, 21 मिनट की वीडियो हुई है। एक पार्ट और मैं बना दूंगा आज, शायद ज़्यादा इसमें स्लाइड एड नहीं कर पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, अभी टाइम काफ़ी है हमारे पास। तो देखो ये जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ाया यार, इसके अंदर यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर आपके फैराडे के लॉज, फैराडेज लॉज हैं, जस्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, उनकी ओनली स्टेटमेंट्स पढ़नी है आपको, उनकी ओनली स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। और जो फैराडे का सेकेंड लॉ है इसके अंदर, खासकर सेकेंड लॉ है, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल, उसमें फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF जो होता है d∅v/dt होता है, ये याद रखें, नंबर ऑफ ट्रांजिशन है तो यहाँ आना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लेंज लो का इम्पोर्टेंस है, लेंज लो, और ये एक जो आया राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अभी तक कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए राइट हैंड रूल, क्योंकि करंट इंड्यूस्ड के टाइम पे बताया जाता है। आप पहले चैप्टर्स में लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के आए हो, और लेफ्ट हैंड रूल आपको शायद पता होगा, वो होता है बताने के लिए कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, यहाँ पर फोर्स तो पहले से पता है, मोशन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर एक एक वैरायटी के क्वेश्चन वैसे कभी आए नहीं हुए, फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मान लो तुम्हें कह दूँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का है, इस तरह का समझ गए होंगे, नीचे की तरफ है, और तुम्हें कह दिया जाए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एक कोयल रखा गया है इस तरह से, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी और ये डी, इस तरह से कोयल है, क्लोज्ड है, दिख रहा तुम्हें, तुम्हें कहा गया इस कोयल को मूव करवा के बाहर ले गए, बाहर मूव करेगा तो यार सोच, पहले ये फील्ड के अंदर पड़ा है, जैसे बाहर जाएगा फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो इस ए बी सी डी में क्या होगा, फील्ड जो है, फील्ड मतलब कौन से वाला, क्रॉस वाला, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लेंज लो क्या कहते हैं, भी ये काम नहीं करने दूंगा, अगर इसके अंदर से इस जूप जो लूप है हमारा, इसके अंदर से क्रॉस डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, उसका अपोज कैसे किया जा सकता है, हमें इसको इंक्रीज करवाना है, कैसे इंक्रीज करवाएं, कि खुद का भी अपना फील्ड कैसा बना ले, क्रॉस वाला बना ले, क्रॉस वाला मतलब होता है साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉक वाइज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है क्लॉक वाइज बनेगा, ये किसका डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड, यानी इस वायर के अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ, उस करंट इंड्यूस का जो डायरेक्शन हुआ वो हुआ ए से डी, डी से सी, सी से बी, ये वाला, एक सेकेंड, ए से डी, डी से सी, सी से बी, इस तरह से, तो इस तरह से तुम इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हो यार, ज़्यादा नहीं आया हुआ, मैं तुम्हें बोल दूँ कहीं तुम इसकी कोई भारी भरकम प्रैक्टिस करने लगे हो, यार ऐसा कुछ नहीं है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, इसमें बेसिक बेसिक से आते हैं, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, बहुत है, ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो बनाई, बट वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ये छोटी है मैं बोल रहा हूँ, आगे वाली वीडियोज़ बड़ी बड़ी और मज़ेदार रहने वाली हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर की हम शायद रिकॉर्डिंग वीडियो दें इस चैप्टर की, उसके बाद लाइव ही कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 3-4 दिनों के बाद मैं लाइव सेशन वापस ले आऊँ,
ये ईएमआई का कोशिश रहेगा चैप्टर, या एसी तक हम रिकॉर्डिंग डालें, उसके बाद आपकी लाइव वीडियो रहेगी और लाइव सेशन के अंदर ही हम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? आई थिंक सो क्लियर टू यू। और उसके अलावा यार स्पेशल क्लास को ज्वाइन करना मत भूलें, मैं आपको बता दूं काफ़ी सारी चल रही हैं, जो मैंने आपको जैसे इस क्लास के बारे में बताया, तो आप ये वाला क्लास जो है इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर एनडीए एग्ज़ाम पर्पज़, ठीक है? और बायोलॉजी का इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें मिल ही गया होगा कि बायोलॉजी का क्लास जो है अपना धमाकेदार तरीके से चल रहा है, उसको भी एंजॉय करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सब बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।